भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की जोड़ी भोजपुरी में हर एक हीरोइन के साथ अच्छी ही लगती है, लेकिन काफ़ी समय बाद जब वो रानी चटर्जी के साथ आए तो सभी को लगा कि पवन और उनकी जोड़ी को लोग हाथों हाथ लेंगे और गाने को बहुत पसंद करेंगे। जब गाने का ऑडियो रिलीज़ हुआ तो लोगों ने गाने को बहुत पसंद किया और सभी को उम्मीद थी कि जब इसका वीडियो आएगा तो वो लाजवाब आएगा, लेकिन जब साड़ी पर का फोटो का वीडियो आया तो दर्शक निराश हो गए। कहीं न कहीं उन्हें पवन और रानी की जोड़ी में वो चाम नज़र नहीं आया जो चाम उन्हें नज़र आना चाहिए था। वैसे पवन ने इससे पहले जब मीठा मीठा बात है कमरिया में डिंपल सिंह के साथ काम किया तो लोगों ने इन दोनों की जोड़ी को बहुत अप्रिशिएट किया और लोगों ने भर भर के कमेंट, व्यूज़ और लाइक्स सभी दिए और इस गाने को एक दिन में 3.5 मिलियन व्यूज़ भी मिले थे। आज तो ये गाना 60 मिलियन पर है। इस गाने को रिलीज़ हुए 2 महीने हो गए हैं और इस गाने का चार्म अभी भी लोगों के दिमाग से नहीं उतरा है। लेकिन ठीक इससे उल्टा हुआ पवन और रानी चटर्जी की जोड़ी के साथ। जी हाँ, गाना कब आया कब गया लोगों को पता ही नहीं चला और न गाने ने उतना ज़्यादा व्यूज़ क्रिएट किया। पवन के तो ऐसे कई गाने हैं जो कि कम सब्सक्राइब वाले चैनल पर आते हैं और व्यूज़ बना जाते हैं, लेकिन इस गाने को तो एक फेक कॉपीराइट भी मिल गई और ये गाना उतना नहीं चला जितना लोगों को एक्सपेक्टेशन थी। और साथ ही साथ जब पवन ने बोलबम का गाना भी रानी के साथ वीडियो रिलीज़ किया तो इसका भी रिस्पांस बहुत ठंडा था। फैंस तो इस बात पर गुस्सा कर गए कि जो इस वीडियो के मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, वो साड़ी पर के फ़ोटो का ही वीडियो यूज़ कर इस गाने में चला रहे हैं। गुस्साए फैंस ने वीडियो को सिरे से नकार भी दिया। वैसे गाने का ऑडियो रिलीज़ जब हुआ था तो लोगों को बहुत पसंद आया था और दोनों गानों को, चाहे वो जलधारी करे वाला गाना हो चाहे वो साड़ी पर का फ़ोटो हो, दोनों का जब ऑडियो रिलीज़ किया गया था तो दोनों गानों को अच्छा व्यूज़ मिला था, लेकिन वीडियो में नहीं। वीडियो में दोनों गानों को सिरे से नकारा गया, यानी कि इसका मतलब है कि पवन और रानी की जोड़ी को दर्शक दोबारा नहीं देखना चाहते। अगर यही होता तो इस गाने के अब तक व्यूज़ कम से कम नहीं तो 10 से 15 मिलियन तो पहुंच ही गए होते। जिस तरह महादेव का दीवाना को आज 20 मिलियन व्यूज़ के साथ वो सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला महादेव का बोलबम का गीत बना है, तो आप समझ सकते हैं कि इस साल का सबसे सुपरहिट गाना महादेव का दीवाना ने सभी गानों को पछाड़ते हुए सबसे ज़्यादा व्यूज़ बनाए। जहाँ पर उम्मीद थी कि पवन रानी के साथ आएंगे तो वो गाना बहुत ज़्यादा सुपरहिट होगा, लेकिन ये गाना उतना ही बड़ा फ्लॉप रहा। वहीं पवन के वीडियो महादेव का दीवाना में अनिशा पांडे के साथ पवन सिंह ने जिस तरह का सॉन्ग किया था, जिस तरह की उनकी केमिस्ट्री दिखाई जा रही थी, केमिस्ट्री ये नहीं होती है कि आप साथ में काम करें या ऑन स्क्रीन आप साथ में दिखे तभी, आप अलग अलग जगह से भी अपनी एक केमिस्ट्री दिखा सकते हैं, तो इन दोनों की जो केमिस्ट्री एक साथ में बनी थी उस केमिस्ट्री का तोड़ ये गाना तो बिल्कुल नहीं था। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।